भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तैयार है। शनिवार 1 जून को ये लोग बांग्लादेश के खिलाफ अपना इकलौता वार्म अप मैच खेलेंगे और इसके बाद शुरू होगा असली चैलेंज। टीम 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला गेम खेलेगी और इस मैच में सभी का इंटरेस्ट भारत की ओपनिंग जोड़ी में रहेगा। आमतौर पर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा भारत के लिए ओपन करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में विराट कोहली भी ओपनिंग के दावेदार हैं। विराट ने IPL 2024 में ओपन करते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों से ज्यादा रन बनाए हैं। वो लगातार RCB के लिए ओपन करते आए हैं और इस दौरान उनके आंकड़े भी कमाल हैं। कोहली के नाम IPL में 9000 से ज्यादा रन हैं और पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर के मुताबिक भारत को इस टूर्नामेंट में विराट रोहित से ओपनिंग करानी होगी, क्योंकि प्लेइंग 11 में कोहली का कद बहुत बड़ा है। स्टार स्पोर्ट्स के प्रेस रूम में वो बोले, आदर्श स्थिति में मैं यंगस्टर्स पर सीनियर्स को प्रायोरिटी नहीं देता, मैं थोड़े युवा प्लेयर्स को चुनता, लेकिन सेलेक्टर्स ने आइकन्स रोहित शर्मा और विराट कोहली को चुना। अब वो स्क्वाड में है तो विराट कोहली का नंबर 3 पर बैटिंग करना असंभव है, क्योंकि फिर आपको विराट की पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी और रोहित शर्मा को ओपन करना ही होगा। इसलिए भारत ने एक तरीके से खुद को सिर्फ एक तरह की कॉम्बिनेशन के लिए फोर्स कर लिया है और वो है दाहिने हाथ के 2 बल्लेबाज। दुर्भाग्य से जायसवाल को बाहर बैठना होगा, मैं तो पूरी नई टीम के साथ जाता, फिर आपके पास ज्यादा फ्लेयर होता और ये अलग चीज होती। भारत ने सीनियर्स पर भरोसा जताया, ये एक ऐसा कदम है जो सालों से काम नहीं आया, उम्मीद करते हैं कि ये इस बार काम आए। इसी चर्चा में शामिल रहे इरफान पठान ने ओपनिंग जोड़ी में एक दाहिने और एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को जरूरी बताया। उनके मुताबिक रोहित के साथ जायसवाल को ही ओपन करना चाहिए, पहले भी ऐसी जोड़ियां भारत के बहुत काम आई हैं, फिर चाहे वो सचिन गांगुली, गंभीर, सहवाग हो या फिर रोहित और शिखर। अब देखने वाली बात होगी कि टीम मैनेजमेंट इरफान की सुनता है या फिर मांजरेकर की। वैसे कई लोगों का मानना है कि रोहित को नीचे खेलना चाहिए, यशस्वी के साथ विराट ओपन करें और रोहित जरूरत के मुताबिक नंबर 3 या 4 पर खेले। स्पिन खेलने की उनकी क्षमता के चलते रोहित नीचे बेहतरीन खेल भी दिखा सकते हैं। बात आंकड़ों की करें तो IPL 2024 में विराट और यशस्वी दोनों ने ओपन करते हुए रोहित से बेहतर स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी और दोनों ने ही रोहित से ज्यादा रन्स भी बनाए थे। अब देखने वाली बात होगी कि जीत के लिए भारतीय मैनेजमेंट किस हद तक जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।